जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के पक्ष में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री को दिया ज्ञापन। मंडला, विगत दिवस पहले एक महिला ने आरोप लगाया था कि प्रशांतदीप सिंह ठाकुर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने अपने चेंबर में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे डांटा और कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई है, जिस पर पीड़ित महिला ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, जिसके विरोध में महिला एवं बाल विकास विभाग की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री तरुण भनोट को ज्ञापन सौंपा और कहा कि प्रशांतदीप सिंह ठाकुर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी निर्दोष हैं। प्रभारी मंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही और जो दोषी है उसे सजा मिलेगी। प्रभारी मंत्री जिंदाबाद, प्रभारी मंत्री जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। जांच का नतीजा क्या 5 मिनट में निकलता है? नहीं, अब तो चिंता करो, जो निर्दोष है तो निर्दोष रहेगा, जो अगर गलत काम हुआ होगा तो क्यों परेशान? विश्वास है ना? जी सर। अब आप लोग यहाँ घूम रहे हैं तो सब बेचारे परेशान हो रहे हैं, जिनकी आपको सेवा करनी है। सहायता दे रही है तो आप क्यों जरूरत नहीं है? आप लोग सामूहिक अवकाश सर, हमारे परिवार में विपत्ति आई है सर, परिवार के आंगनबाड़ी के हमारे कार्यकर्ता हैं अधिकारी, उनकी कुछ एक अधिकारी के बारे में दो पक्ष मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी। एक पक्ष है कि कुछ गलत दुर्व्यवहार किया गया है, कुछ लोगों का कहना निर्दोष है। अब मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को बोला है, इसकी जांच करेंगे, अगर कोई निर्दोष है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर दोषी है कार्रवाई होगी। तो सबसे कहा कि जाइए, सेवा का कार्य आप अपने काम पर। जिले भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठी हुई हैं और जो हमारे अधिकारी पे आरोप लगाए गए वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं। इसके लिए हम सब एकजुट हैं, हमारा पूरा विभाग, हमारी सारी सुपरवाइजर, सारी परियोजना अधिकारी एक साथ आए हैं, क्योंकि कोई भी महिला आएगी और ये बोल देगी कि हमारे साथ ये हुआ तो क्या ये सच है? और मिल बैठक कहाँ, पूरा विभाग वहाँ पूरा बैठा रहता है, इतने सारे बाबू हैं, सारे वर्करों का आना जाना है, उन्होंने उठक बैठक लगाया, किसी को पता भी नहीं चला। हम सारे लोगों में इतनी सी भी बात होती है तो सबको पता चलता है। ये आरोप निराधार है, हम अपने अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और पूरा हमारा विभाग एक साथ। अधिकारी तो अच्छे हैं हमारे, हम सभी महिलाओं की इज्जत करते हैं, वो कभी हम लोगों से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते, तो वो एक अचानक अजनबी महिला से ऐसी बात कैसे कर लें। आप भी अपने क्षेत्र का समाचार हमें भेज सकते हैं। खबरों के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और रहे खबरों से अपडेट न्यूज़ विटनेस।